नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। जी हां, इस समय पटना सिटी में मौजूद हैं और उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कल एक दुकानदार ने आत्मदाह करने की कोशिश कर ली थी। हालांकि उन्हें इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया था लेकिन उनकी मौत हो गई। हालांकि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि यह पटना सिटी की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह मेहरीगंज का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बंद है। हम आपको वो ही तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर घटना हुई थी और सारे दुकानदार जो हैं स्वतः खुद अपनी दुकानों को बंद किए हुए हैं। इस घटना के होने के बाद आप दुकानों में ताले लटके हुए हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि कल जिस तरह से रेलवे प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती करीब दर्जनों दुकानों को JCB से तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही थी, तभी एक दुकानदार जो कैनील शाह नाम के दुकानदार है उन्होंने अपने ऊपर थीनर छिड़क कर अपने आग को आग के हवाले कर दिया, जिन्हें उसके बाद में अस्पताल भेजा गया और उस दौरान काफ़ी बवाल भी हुआ जिसकी खबर हमने आपको पहले दिखाई है। और अब जिन्होंने अपने शरीर में आग लगाई थी उनकी मौत यानी अनिल शाह की मौत इस घटना में हो गई है। और आज जब उनकी डेड बॉडी घर पर पहुंची है तो किस तरह का क्या माहौल है बाज़ार में और उनके घर में, यह हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अनुमंडल प्रशासन ने SDO मुकेश रंजन, CTA SP यहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और जिनकी मौत हुई अनिल शाह के उनके मकान के पास पहुँचे हुए हैं। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, उनके राय विचार जानने की कोशिश की जा रही है लेकिन स्थगित रखा गया तो सभी बिंदुओं पे आश्वस्त किया गया कि सारी चीज़ों को नियमानुपूर्ण कार्रवाई की जाएगी और जो चीज़ें होंगी IR में जो दोषी होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो न्यायालय आदेश और इन चीज़ें हैं वो सारी कागजात की पूरी तरह से जांच करके ही आगे। परिजनों का कहना है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट कोई नहीं आया था, उस पर क्या कार्रवाई होगी? बहुत सारे वीडियो फुटेज हम लोगों के पास आए हैं, हम लोग उसकी जाँच कर रहे हैं और जो जो बातें इनके द्वारा उठाई गई हैं उन सभी बिंदुओं पर देखा जाएगा और जो उपस्थिति अनुपस्थिति की भी जाँच की जाएगी और उसके आलोक में घटना के बाद से अब तक क्या जाँच घटना अभी जो घटने के पश्चात से तो सबसे प्रथम अभी इलाज और इन चीज़ों को लेकर के ही कार्रवाई चल रही थी। रात में वरीय पदाधिकारीगण भी यहाँ पे आए हुए थे स्थल पे और चीज़ों को देखा गया, अस्पताल पे भी जा करके देखा गया सभी चीज़ों को और रात में जो दुखद घटना घटी उसके पश्चात से हम लोग इधर हैं और इसके पश्चात जो प्राथमिकी बयान जो दर्ज किया गया था उसके पश्चात प्राथमिकी भी दर्ज हुई है और उसके उपरांत कार्रवाई हुई। कितने आदमी की मौत हुई है, कितने आदमी की एक व्यक्ति जो है अनिल शाह जी उनकी मृत्यु हो गई है और इसके अतिरिक्त तीन जो हैं वो कुछ कन्हैया कुमार कन्हैया शाह हैं और अजीत शाह आदित्य शाह हैं, ये लोग भी घायल हैं। कन्हैया शाह का इलाज चल रहा है अभी और इसके अतिरिक्त अजीत शाह और आदित्य शाह जो हैं उनका इलाज करके छोड़ दिया है। कुछ मुआवजे की भी बात कर रहा हूँ जी, मुआवजा के लिए वो सारी चीज़ें अभी की जा रही है। जो मृतक हैं उनके लिए पारिवारिक लाभ के रूप में तत्काल जो है वार्ड काउंसिलर महोदय के द्वारा जो दिया गया पारिवारिक लाभ का उसकी कार्रवाई होगी और इसके अतिरिक्त आपदा में जो प्रावधान है अग्नि कांड से मृत्यु में उसमें प्रावधान के तहत उसको मुआवजा दिया जाएगा 4 लाख रुपया का और जो घायल व्यक्ति हैं उनके इलाज के लिए भी किया जाएगा। लेकिन ताज़ा तस्वीर यह है कि आज पटना सिटी में जो कल दुर्घटना हुई थी उसको लेकर मेहंदीगंज क्षेत्र में सारी दुकानें जो हैं स्वतः बंद कर दी गई है और इसका विरोध किया जा रहा है इस घटना का। हम आपको बता दें कल जो है रेलवे प्रशासन के दौरान जबरन 12 दुकानदारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि यहां के जो दुकानदार हैं जो पीड़ित दुकानदार हैं उन्होंने कुछ समय का मोहलत मांगा था, यानी कि इसी 24 फरवरी को कोर्ट में बहस होने वाली थी इस मामले को लेकर। उसके पहले रेलवे फोर्स के द्वारा जबरन इन दुकानदारों को हटाने और उनकी दुकानों को तोड़ने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, तब जाकर लोगों ने विरोध करना शुरू किया और उसके बाद जो है नतीजा हम सभी के सामने है। तो इससे संबंधित पल पल की खबर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।